श्रीनगर के परिमपोरा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। परिमपोरा इलाके में बीते रोज से चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत दो आतंकियों को ढेर किया है। जिस घर में आतंकी छिपे थे, सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया। आतंकियों के पास दो AK-47 राइफल बरामद किया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल घटना सोमवार की बताई जा रही है, जब हाईवे पर हमला करने वाले आतंकवादियों के बारे में इनपुट मिला था। इनपुट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने नाकेबंदी की। इस दौरान परिमपोरा नाके पर एक गाड़ी को रोका गया और उसकी पहचान पूछी गई। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना बैग खोलने की कोशिश की। इसी दौरान नाका पार्टी तेजी से हरकत में आई और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया। ड्राइवर और पिछली सीट पर बैठे दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाएगा, जहां पता चला कि इनमें से एक लश्करे तैयबा का शीर्ष कमांडर आतंकवादी अबरार है। फिर उससे JKP, CRPF और सेना द्वारा संयुक्त पूछताछ की गई। आतंकी अबरार के पास से एक पिस्टल, एक हथगोला बरामद किया गया। JKP, CRPF और सेना की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने मलूरा स्थित एक घर में अपनी एक AK-47 राइफल रखी थी। उसके बाद संदिग्ध घर की उचित घेराबंदी कर हथियार बरामद करने के लिए उसे उस घर ले जाया गया। जब सुरक्षा बलों के जवान हथियार को बरामद करने के लिए घर में घुस रहे थे, तभी अबरार के सहयोगी ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती मुठभेड़ में CRPF के 3 जवान घायल हुए। इसके बाद दोनों की ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई सुरक्षा बलों ने, जिसके बाद घर को उड़ा दिया, जिसमें अबरार समेत दो आतंकी ढेर हो गए और AK-47 राइफल बरामद कर ली गई। तो वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के आतंकियों की एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी वहां भी मारा गया। इस दौरान सेना की सूझबूझ और समझदारी के चलते एक आतंकवादी ने सरेंडर भी किया था। सरेंडर के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे सेना का एक अफसर लश्कर के आतंकी को सरेंडर करने के लिए कह रहा है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की कड़ाई के चलते आतंकी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया हुआ है। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से ऑपरेशन चलाया है और उनका सफाया किया है। जम्मू कश्मीर के DGP कहते हैं कि 2020 में 225 आतंकी मारे गए, इनमें से 46 टॉप कमांडर थे। 370 हटने के बाद से अब तक 300 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।